उन्होंने मुझसे कहा था यार मुझसे नहीं सवाल मत पूछा करो कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे खुद में शर्म आती है। खुद शर्म आ जाता है वो, बाद में उससे पूछो ना ऐसा क्यों हुआ। एक दिन मैंने उसको पिक्चर भेजा, मैंने ये क्या था, विकेट से इतना ऊंचा था ऊपर जंप मार के, मैंने भाई ये क्या था, विकेट तो मेरा था। करो छोड़ो भूल जाओ। अच्छा शमी भाई, आप धोनी की कप्तानी में खेले, रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले, इवन विराट कोहली कप्तानी में खेले, किस कप्तान के अंडर आप बहुत कंफर्टेबल रहे हैं? वो सारी फ्रीडम मिली जो आपको चाहिए था, वो सारा आपको सपोर्ट मिला जो आपको चाहिए था, सबने दिया होगा, लेकिन एक कंफर्ट होता है गेंदबाज का कि मुझे लगता है कि यार मेरा थोड़ा ट्यूरिंग यहाँ अच्छी बनी इससे, धोनी से, विराट एंड रोहित। नहीं सबका यार खेलने का तरीका अलग है, सोचना अलग है, सब हर कैप्टन प्लान करता है, अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं, तो सब ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने प्लान्स बताए, बॉलर्स के साथ बात की है कैसे खेलना है, कैसे प्लान करना है या फिर कैसे अटैक करना है। सबका जो प्लानिंग होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मीटिंग्स होती हैं हमारी, उसमें डिसाइड हो जाता है कि हमको ऐसे करके करना होता है, या इनके इस बैट्समैन के अगेंस्ट में हमें ऐसे खेलना है, या इसको ऐसे अटैक करके आउट कर सकते हैं, तो वो ऑप्शंस रखे जाते हैं। विराट कोहली को आप देख लो, बिना विकेट के बॉलर से ज़्यादा सेलिब्रेशन कर जाता है। मैं उसको बोलता हूँ कभी कभी, मैंने अच्छा हुआ तो बॉलर नहीं था, बोले तो उनको आप पास में रखते होगे खुद के लिए, उसको मजा आता। एक्चुअली में क्या है ना, उसको वो उसका स्टाइल है खेलने का, उसका नेचर में वो सेट हो गया है वो चीज़, वो नाच वो खुद को रोकना भी चाहे नहीं।